हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिड लाइन असेसमेंट 2021-22 प्रोजेक्ट वर्क प्रयोजना कार्य क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन आंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर दो टॉपिक दिया गया है, से नो टू प्लास्टिक, इस पर पोस्टर मेकिंग करना है। राइट 3 सेंटेंस ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 पर 3 टॉपिक दिया गया, ड्रॉ अ क्लॉक, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, मेंशन द टाइम ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3 पर भी 3 टॉपिक दिया गया, तो ये सभी का आंसर देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर पोस्टर मेकिंग किस तरह से करना है, टॉप पर लिखेंगे स्टूडेंट से नो टू प्लास्टिक। मिडिल लाइन पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह जैसे कि यहाँ पर फिगर में सिंबल दिख रहा है, वैसे ही आपको सिंबल बनाना है। डोंट बी ड्रास्टिक, से नो टू प्लास्टिक। इंस्टेड यूज आप क्या कर सकते हैं, पेपर बैग्स, जूट बैग्स, क्लॉथ बैग्स। इन्वायरमेंट क्लब, रायपुर, छत्तीसगढ़। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर ही, राइट 3 सेंटेंस ऑन द टॉपिक से नो टू प्लास्टिक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, प्लास्टिक इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ विच इज डैमेजिंग अवर इन्वायरमेंट, सो इट्स बेटर टू से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, थस इट इज हजार्ड टू द इकोसिस्टम। गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्टली बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम। तो ये 3 पॉइंट बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्लॉक, क्लॉक का फिगर बनाना है, घड़ी का चित्र बना लेना है। अपनी कॉपी पर किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी भी की सहायता से। तो घड़ी आपको बनाना है इस तरह से। उसके बाद आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उनके आंसर देखते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉक, घड़ी का उपयोग क्या है। तो क्लॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है, इट इज यूज बाय ह्यूमंस टू नो अबाउट द टाइम। विदाउट क्लॉक वी कैन नॉट नो व्हाट द टाइम एग्जैक्ट। क्लॉक नहीं होगा तो हम एग्जैक्ट समय नहीं बता पाएंगे। द डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले टाइम बाय यूजिंग न्यूमेरिकल डिजिट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब योर डेली रूटीन, मेंशन द टाइम। टिप्स यहाँ पर बता देता हूँ कि ये अपने अकॉर्डिंग मैंने लिखे हैं, अगर आपको इसमें से लिखना है तो इसमें से लिख सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग सेट करके इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर माई डेली रूटीन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर लिखेंगे, आई वोक अप एट 6 AM इन द अर्ली मॉर्निंग, 6 बजे मैं उठता हूँ सुबह को। माई डे बिगिन विद मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर से मेरी शुरुआत होता है। आई टेक माई शावर एट 7:30 AM, देन आई गेट रेडी टू गो टू स्कूल, द स्कूल स्टार्ट एट 8 AM। एट 1 PM आई रिटर्न होम आफ्टर स्कूल, आफ्टर टेकिंग लंच आई हेल्प माई मदर विद सम स्टफ, देन टेक अ नैप फॉर एन आवर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एन आवर आई गो टू द प्ले ग्राउंड एट अबाउट सनसेट, आफ्टर माई इवनिंग प्रेयर आई डू माई होमवर्क बिफोर 8:30 PM। एंड उसके बाद क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। आई सून फॉल टू स्लीप एंड गो टू माई बेड। तो इस तरह से आप पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको प्रोफेशनल के बारे में पूछा गया था, प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि आपका पॉटर, पॉटर क्या करता है, आपका मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। प्लम्बर होता है जो नल को ठीक करता है, और आपका टीचर्स होता है वो पढ़ाने का काम होता है, डॉक्टर का काम होता है मरीजों का इलाज करना, पेंटर का काम होता है पेंट करना, गार्डनर का काम होता है पौधों को पानी देना, पुलिसमैन का काम होता है चोर और डकैतों को पता लगाना, पोस्टमैन क्या करता है डाक बारता है, कारपेंटर क्या करता है बढ़ई का काम करता है, यानी कि वो क्या करते हैं टेबल कुर्सी बनाता है। व्हाट आर द टूल्स यूज, कौन कौन से सामान का प्रयोग करते हैं। तो पिलर्स हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, रेंच हो गया, हैक्सॉ हो गया, चैन सॉ हो गया, हैंड सॉ हो गया, स्टेप लैडर यानी कि सीढ़ी हो गया,
स्टेथोस्कोप, ये कौन को यूज़ करते हैं? डॉक्टर लोग जो डॉक्टर के गले पर होते हैं, थर्मोमीटर डॉक्टर के पास होता है, पेंट ब्रश ये पेंटर के पास होता है, रोलर्स हो गया, सीजर्स हो गया, हो गया, वुडन मॉडलिंग टूल हो गया, लूप टूल हो गया, एंड वेपन्स हो गया, इस तरह के औजारों का प्रयोग दैनिक जीवन में लोग करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट में प्रोफेशन नेम ऑफ टूल और पर्सन नेम आपको बताना है, इसको भी अपने अकॉर्डिंग से लिखना है। सबसे पहले कारपेंटर क्या यूज़ करता है? चीजल एंड ब्लॉक पेन का यूज़ करता है। कारपेंटर बढ़ाई बनाने का काम करता है। इसके लिए आप कोई भी नेम सजेस्ट कर सकते हैं, राजेश हो गया, मनोज हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, इस तरह के इसके नेमिंग कर सकते हैं। कॉबलर मोची क्या करता है? मोची के पास होता है ऑल एंड शू स्टैंड होता है, ये काम कौन कर रहा है? मनोज। पोस्टमैन अ बैग कैरी लेटर्स यानी कि पत्र छोड़ने का काम करता है डाकघरों पर, डाकघरों से पोस्ट को क्या करता है? लेकर वो घरों घर क्या करता है? पोस्ट को बांटता है। कौन है इसका पर्सन? योगेश। पॉटर, पॉटर क्या होता है? कुम्हार, कुम्हार क्या करता है? वुडन मॉडलिंग टूल यानी कि चौक पर रखते हुए क्या करता है? वो मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का बर्तन बनाता है, ये काम कौन कर रहा है? प्रदीप। पुलिसमैन क्या करता है? चोर डकैतों का पता लगाता है, साथ ही साथ उनके पास पुलिस कार होता है, और ये कौन कर रहा है? अभिषेक। तो इस तरह से मैंने सारे आंसर्स को बता दिए इंग्लिश का। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हेल्प हो सके। थैंक यू।